शहजाद पूनावाला सीधे तौर पर आतिशी ये कह रही हैं कि ये तो अच्छा घोटाला है, 1300 करोड़ रुपयों का अगर फायदा हो जाए तो ऐसे घोटाले तो इस देश में होते रहने चाहिए। आतिशी कह रही हैं, आपका जवाब? देखिए, वो कभी स्वीट टेररिज्म कहते हैं, अब इसको स्वीट करप्शन कह रहे हैं। मतलब कि अदिति, अगर एक जगह का मुनाफा 3000-4000 करोड़ हो सकता था, अब वो 1300 करोड़ ही हुआ, तो ये कह रही है कि अरे फायदा तो हो गया ना, तो घोटाला किस बात का? यही तो मैं कह रहा हूँ अदिति जी, आप आतिशी जी, आप देर से जुड़ी। तीन स्पेसिफिक सवाल है। एक, L1 को जो एयरपोर्ट जोन का था उसको आपने 30 करोड़ EMD बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कैसे दे दिया? दूसरा, 144 करोड़ आपने लिकर कार्टल का कैसे एग्जेम्प्ट कर दिया? तीसरा, जो लाइसेंस का ऑपरेशनल पीरियड था वो था 1/4/2022 तक, उसको बढ़ाकर आपने 31/7/2022 बिना कैबिनेट में आए कैसे दे दिया? उसके अलावा ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाऊगल्दी को जो मना है उसमें उस एक्साइज पॉलिसी में, उसको कैसे आपने परमिशन दे दी? और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल करना अलाउड नहीं है इस पॉलिसी में, आपने कैसे उनको ये दे दिया? कैसे जो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो एक वायलेशन है एक्साइज ड्यूटी एक्ट का, उसके खिलाफ आपने सेक्शन 41 के तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और कितनी कार्रवाई की अगर बता सकते हैं तो बता दो। ₹50 प्रति इंटरनेशनल लिकर पर आपने माफ किए, ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं किया? इसके स्पेसिफिक जवाब दीजिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है ये। और आप ये मत बताइए कि 2000 करोड़ का फायदा हो सकता था, 1300 करोड़ का तो हो गया, तो ये स्वीट घोटाला हो गया। यही तो हम कह रहे हैं कि जो हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति हमारे दिल्ली वालों को दे दी।